हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बी टू लर्निंग। बच्चा आज हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट टू करेंगे और पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। पार्ट वन में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ बेसिक उनके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें, कुछ कुछ चीजें पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा इंटरवल होता क्या, और इंटरवल भी कैसे, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। बच्चा यहाँ पे आर जो है ना ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। आर जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। सबसे पहले बात करता हूं ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ओपन इंटरवल क्या होता है वो समझना सिंपल। अगर मैं कह रहा हूं एक्स एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है एक्स, ठीक है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक, ये हमेशा रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, ये ओपन इंटरवल हुआ, क्लोज इंटरवल हुआ, जो इंटरवल्स है ये कैसे काम आती है उसको समझने से पहले मैं एक चीज आपको समझाता हूं। अपने को पता है वैसे तो फटाफट से 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं कि अपने को पता है साइंस होता है कौन कौन सा, एक लेस देन हुआ अपने पास इनइक्वालिटी के, लेस देन इक्वल टू हुआ, ग्रेटर देन हुआ एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, चारों साइन का मीनिंग अपने को क्लियरली पता है, ठीक है। तो जब भी अपने पास किसी भी वेरिएबल की रेंज अपने को बतानी कि भाई एक्स की वैल्यू, लेट सपोज मैंने बोल दिया है एक्स जो है ना वो यहां से यहां तक है, लेट सपोज 2 से लेकर 19 तक है, अब मेरे को देख के क्लियर पता चल रहा है एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से ग्रेटर होगी हमेशा, 2 कभी नहीं होगी, उससे स्मॉलर तो हो ही नहीं सकती, हमेशा 2 से ग्रेटर होगी। और कहां तक जाएगी, मैक्सिमम जो जाएगा वो 19 से कम कम रहेगा, मतलब 19 को इंक्लूड नहीं कर रहे, 90 से कम और 2 से ज्यादा, यहां तक x की रेंज है, x की वैल्यू है। इसी को इंटरवल में रिप्रेजेंट करने का, इन्हीं को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है जिसे अपन इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले अपने पास है ओपन इंटरवल। अब जब भी मेरे पास ऐसा कुछ था जैसे वो लिखा हुआ है, लेट सपोज मेरे को देखा x जो है ना वो 5 से स्मॉलर है और x ना 2 से ग्रेटर है, मतलब x की वैल्यू 2 से 5 के बीच लाइ कर रही है, जहां पे ना मैं 2 को इंक्लूड कर रहा हूं ना ही मैं 5 को इंक्लूड कर रहा हूं। जब भी x की ऐसी रेंज को बताना है जहां पे इन लिमिट्स को, ये जो 2 एंड 5 है, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उस केस में जो इंटरवल काम में लेते हैं बेटा उनको बोलते हैं अपन ओपन इंटरवल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने लिख दिया कि यार x जो है ना वो बिलोंग करता है कहां, किस किस को बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है 2 से लेकर 5 तक, और यहां पे 2 एंड 5 जो मैंने लिखा है वो दोनों ओपन इंटरवल में लिख रहा है, क्लियर मेरे को दिख रहा है। तो जब भी ओपन इंटरवल में लिखा है इसका मतलब मेरे को समझ आना चाहिए, इट मींस x जो है वो 5 से तो स्मॉलर है और 2 से ग्रेटर है, इसके बीच में लाइक करेगा, समझ आया, ना 2 को इंक्लूड करेंगे ना ही 5 को इंक्लूड करेंगे, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अच्छा नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी सिंपल अपने पास तरीका क्या हुआ, लाइन ही ड्रॉ नहीं हो रही, बताओ ये ब्लैक कलर ले रखा तो कैसे ड्रॉ होगी, ओके ये अपने पास नंबर लाइन अपने ड्रॉ किया और वापस अपन ले लिया अपना पेन, ठीक है, ये अपने पास नंबर लाइन है, ठीक है। कहां से बात हो रही है, 2 से लेकर 5 तक, मैंने कंसीडर किया, लेट्स सपोज ये पॉइंट अपने पास कहीं 2 है, ये अपने पास पॉइंट 5 है, ठीक है। अगर नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं अपन ओपन ब्रैकेट से, इसे भी लिखते हैं ओपन ब्रैकेट से, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब अपन सर्कल नंबर लाइन पे इस तरह से हॉलो सर्कल बना रहे हैं, तो जब भी हॉलो सर्कल बना रहे हैं मतलब क्लियर, अपने हॉलो मतलब मैं बोलता हूं कि हॉलो भी क्या है, मतलब इस तरह से अपने राउंड सर्कल बना दिया, जीरो बना दिया, ओ बना दिया, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को, कि हाँ भाई जो पॉइंट है वो दोनों एक्सक्लूडेड है, दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे, यानी कि ओपन इंटरवल की बात हो रही है। तो यहां से यहां तक का जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे ओपन इंटरवल को, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्लोज इंटरवल। अब बहुत बार ऐसी वैल्यूज अपने पास आएंगी, अगर मेरे पास लिखा हुआ है क्लोज, पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं अपन इन ब्रैकेट से, ठीक है। अच्छा तो अगर मेरे पास लिखा है कि यार एक्स जो है ना वो बिलोंग करता है 2 से लेकर 5 तक, और यहां पर 2 और 5 दोनों को क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है, दिस इंटरवल इज क्लोज इंटरवल, तो अगर 2 और 5 को क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है तो इसका मतलब देखते अपने को क्या समझ आएगा कि x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी तो है लेकिन 5 के इक्वल भी हो सकती है, मतलब 5 को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इन द सेम वे x की वैल्यू 2 जो है उससे ग्रेटर भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है, मतलब 2 को भी इंक्लूड किया गया है। तो जब भी अपन क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं तो देखते क्या समझ आना चाहिए कि हाँ भाई लोअर लिमिट भी इंक्लूड हो रही है और अपर लिमिट भी इंक्लूड हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट था, यहां भी क्लोज ब्रैकेट था मतलब 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, यहां भी क्लोज ब्रैकेट था मतलब 5 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, समझ आया।
इसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, अगेन सेम, ये मेरे पास 0.2 था, ये मेरे पास 0.5 था, अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपन क्या करते हैं इन पॉइंट्स को भी डार्क कर देते हैं। तो जब भी अपन ने इस तरह से लिखा है मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज इंटरवल को, मतलब 2 एंड 5 दोनों को इंक्लूड कर रहा है, वो 257-13-11/4 कुछ भी हो सकते हैं, जो भी नंबर से, यहां पे ओपन में इस तरह से लिखा मतलब ये ओपन ब्रैकेट की बात हो रही है। देन ओके नेक्स्ट अपने पास आता बेटा सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज किस चीज को बोलो, या फिर दोनों को कुछ बुक्स में दोनों को सेम भी लिख देते हैं, एक ही बात है, दोनों को अलग भी लिख सकते हैं, ज्यादा फर्क है नहीं, बस समझ अपने को पॉइंट आना चाहिए कि जहां पे सेमी ओपन सेमी क्लोज या सेमी क्लोज सेमी ओपन लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है। अगर मेरे पास सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात हो रही, लेट्स सपोज मेरे को लिख रहा है कि यार x जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 2 से लेकर 5 तक, जो पहले कर रहे थे, लेकिन ओपन क्लोज मतलब पहले 2 के साथ तो लग रहा है ओपन ब्रैकेट और 5 के साथ लग रहा है यहां पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। इसका मतलब 2 ओपन इंटरवल के साथ है, ओपन ब्रैकेट के साथ है, इसका मतलब 2 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड, ठीक है। 5 क्लोज ब्रैकेट के साथ है, मतलब 5 को क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड। तो ये अपने पास आ गया, यानी कि दोनों जो बात है वो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब जहां पे ओपन इंटरवल है मतलब उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, जहां पे क्लोज इंटरवल मतलब लार्जर ब्रैकेट अपने पास है मतलब उसको इंक्लूड कर रहे हैं। सेमी क्लोज सेमी ओपन, अब इसका अपोजिट हो गया, फर्स्ट वाले के साथ क्लोज्ड है, दूसरे वाले के साथ ओपन है। अगर अगेन मतलब मेरे पास अगर लिखा है x बिलोंग्स टू 2 to 5, जिसमें 2 को मैंने लिखा क्लोज इंटरवल में और 5 को लिखा ओपन ब्रैकेट के साथ, यानी कि अभी इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस x जो है वो 5 से तो हमेशा स्मॉलर होगा, कभी इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि 5 एक्सक्लूडेड है, बट 2 से ग्रेटर भी हो सकता है और 2 के इक्वल भी हो सकता है। तो ग्रेटर और इक्वल टू 2 बट लेस देन 5 x की वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये पॉइंट अपने पास 2 आया, ये पॉइंट अपने पास 5 आया, आप कैसे करेंगे, अब 2 अपने पास एक्सक्लूडेड है मतलब इससे अपन बनाएंगे इस तरीके से, और 5 इंक्लूडेड है मतलब बनाएंगे इस तरीके से, और ये अपने पास आ गया रिप्रेजेंट करने वाले लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड को। सेमी क्लोज सेमी ओपन में क्या करेंगे, अब इसका अपोजिट हो जाएगा, यहां पे 2 को इंक्लूड कर रहे हैं और 5 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब 2 को कर दोगे डार्कन और 5 को कर दोगे ऐसे, और ये अपने पास आ गया एक लाइन नंबर लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यूज को, जहां पे 2 को मैंने किया इंक्लूड और 5 को किया अपन ने एक्सक्लूड। ये 4 इंटरवल्स अपने पास हो गई, सेमी ओपन सेमी क्लोज सेमी क्लोज सेमी ओपन, और उससे पहले पढ़ी थी ओपन एंड क्लोज, क्लियर। तो ये सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लिखा हुआ है x की जो वैल्यू है 9 से लेकर 13 तक है, दोनों को एक्सक्लूड कर रखा, मतलब कैसे लिख देंगे, सिंपल x बिलोंग्स टू, ये तो है ही गलत, इसको ठीक करो, 3 तक बोल देता हूं कि x की वैल्यू 3 से लेकर 9 तक है, तो ओपन इंटरवल के अंदर 3 से लेकर 9 तक, सिंपल। अगर अपने पास दे रखा है y जो है वो कहां से कहां तक आ रहा है, वो आ रहा है -11/2 से लेकर, और यहां पे इक्वल का साइन रखा है 27/11, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, या 27/11 नहीं, इसको लिखेंगे अपन 27/2, ठीक है, वरना अगेन ठीक था, चलो ऐसा कुछ लिखा। तो अभी क्या हो जाएगा y की रेंज, मतलब इसको अगर इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना है तो इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में -11/2 क्योंकि एक्सक्लूडेड है, और जैसे इक्वल टू का साइन है मतलब 27/2, और इसे लिखेंगे अपन क्लोज ब्रैकेट में क्योंकि इसे करना है बच्चा अपने को इंक्लूड। तो ये सारा कुछ हो गया इंटरवल के बारे में, ठीक है, ओपन सेमी क्लोज सेमी ओपन सारा कुछ, ठीक है। अब अगेन अपन आते हैं अपने पावर सेट पे। जब सेट समझ आ गया तो पावर सेट बहुत आसानी से समझ आएगा। पावर सेट क्या बोलता है, डेफिनेशन के बाद में बात करूंगा, पहले मैं समझाता हूं। क्या समझाया, लेट सपोज मैं कह रहा हूं मेरे पास ना एक सेट है ए, और इसमें एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, जो एग्जांपल पहले लिया था लास्ट क्लास में लेक्चर 1 में, सेम एग्जांपल मैंने डाला पावर सेट के लिए। क्या बोला मैंने कि एक सेट है मेरे पास ए जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, तीन एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, बढ़िया। अब मैं काम करता हूं, उसके जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है सारे लिख देता हूं, सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले 5 लिखा, उसके बाद अपन ने लिखा साथ के साथ लिखते चलना अपने नोटबुक में, 1 लिखा, और हो सकता है मेरे से पहले लिख दोगे, 2 लिखा, देन अपन ने 3 लिखा, देन अपन ने 1, 2 लिखा, देन अपन ने 1, 3 लिखा, देन अपन ने 2, 3 लिखा, और लास्ट वाला अपन ने 1, 2, 3 लिखा, जिसको अपन प्रॉपर सबसेट नहीं इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है।
प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहा, मैंने जितने पॉसिबल सबसेट्स थे ना वो सारे लिख दिए, 8 पॉसिबल सबसेट्स होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। फॉर्मूला अपने पढ़ा था लास्ट क्लास में 2^3 विच इज 8, तो ये अपने पास 8 सबसेट आ गए इस सेट ए के, समझ आया। अब पावर सेट क्या बोलता बेटा, ये जो पॉसिबल सबसेट्स है, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे, अगर सबका मैं एक सेट बना दूं, यानी कि सबको मैं क्लब कर दूं, सबको मैं एक साथ कलेक्ट कर लूं, तो ये जो सेट फॉर्म होगा, दिस सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड एज दिस। डिनोटेड की बात बाद में की, पहले मैंने सेट की बात करी। सेट था ए, एलिमेंट्स थे 3, सारे बना दिए सबसेट, और उन सारे सबसेट को अगर एक सेट में अपने लिखा तो उस सेट को क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो सिंपली पावर सेट क्या हुआ, ए के जितने पॉसिबल सबसेट थे उन सबका मेजर सेट, समझ आया। रिप्रेजेंट करने का तरीका पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर लेट सपोज मेरे पास ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, a, b, ठीक है, इसके पावर सेट की बात करूंगा तो पावर सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, यानी कि सेट ऑफ आईएफआई ए बी ए कॉमा बी, और ये इनका बना दिया सबसेट, इन सब का बना दिया सेट, तो ये बन गया अपने पास पावर सेट ऑफ सेट ए। तो किसी भी सेट का पावर सेट बनाना तो एकदम सिंपल सा तरीका। देन अब इसमें फंसाने वाला क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर मैं पूछ रहा हूं कि यार मेरे को ना ए तो पता चल गया ये, ठीक है, और अगर मैं पावर सेट ऑफ ए के कार्डिनल नंबर की बात करूं, ये पावर सेट ऑफ ए है और ये उसकी चीज को रिप्रेजेंट करता है कार्डिनल नंबर, ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ा था कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो अगर कार्डिनल नंबर की बात करें तो कार्डिनल नंबर क्या निकल के आएगा, कार्डिनल नंबर जो होगा 1, 2, 3, 4, यानी कि 4, ठीक है। अच्छा, पिछले एग्जाम्पल में भी देखो, अगर यहां पर मैं कार्डिनल नंबर की बात करूंगा पी पावर सेट ऑफ सेट ए के, तो कार्डिनल नंबर कितना निकल रहा है अपने पास, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 आ गया। इसका मतलब सिंपल सिंपल ये तो क्लियर होगा ही ना, ऐसा ही तो होगा, क्योंकि पावर सेट क्या लेता है, सारे पॉसिबल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n, तो कार्डिनल नंबर का क्या, तो पावर सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, समझ आया। इसका मतलब मेरे को सिंपल क्या पता चल रहा है कि अगर कोई भी सेट ए है जिसका कार्डिनल नंबर लेट सपोज एन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ पी ए। नंबर अगर एन ए एन दे रखा है तो सबसेट कितने होते हैं, किसी भी एक सेट के जितने सबसेट है उतने ही तो उसके कार्ड उसके पावर सेट का कार्डिनल नंबर होगा, और वो कितना होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2^n, प्रॉपर इंप्रॉपर नहीं, टोटल। तो आंसर इज 2^n। तो अब मेरे को क्लियर समझ आ गया कि यार कार्डिनल नंबर होता क्या है, कितने है, क्या होता है किसका, पावर सेट का। तो अगर मैं कह रहा हूं लेट सपोज यार मेरे पास ना एक सेट है ए, बच्चा समझना, और इसमें एलिमेंट्स है 1, a, b, ये ए है ना, हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, 2-4-5 वीडियोस देखोगे या जिसने देख लिया उनको पता है हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी है, तो मैनेज कर लिया करो, ठीक है, बाकी कोशिश करता हूं भी अच्छे लिखने की। तो 1, a, b, 3 की, ये अपने पास एक सेट है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं बात करता हूं इसके पावर सेट के कार्डिनल नंबर की, तो कितना हो जाएगा, सिंपली 2^5 विच इज इक्वल टू 32। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन खत्म, डन, बढ़िया। अच्छा, अब इसमें चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक बार मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करी, मैं बोल रहा हूं बेटा ए एक सेट था, ठीक है, समझना ध्यान से, इसमें एलिमेंट है 1, ठीक, इसमें कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है 1। अगर मैं इसके पावर सेट की बात करूं और उसके कार्डिनल नंबर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा जितने इसके सबसेट है। अब इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, इसके 2 सबसेट पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है, 2, क्योंकि 2^1, बिकॉज अपने को पता है n ऑफ a तो 1 आ चुका है, तो ये हो जाएगा 2^n, मतलब 2^1 विच इज इक्वल टू 2 आया। अब इसका भी, अगर अब ये जो नया सेट मेरे पास बन रहा है पावर सेट ऑफ a, उसका भी मैं पावर सेट बना दूं, यानी कि पावर सेट ऑफ a बना तो सकते ही है भाई, उसमें क्या दिक्कत है, बना दिया, ठीक है, तो मैंने पावर सेट का भी पावर सेट बनाया और उसके अगर मैं कार्डिनल नंबर की बात करूंगा,
उसके अगर अपन कार्डिनल नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, आप समझना। यहां तक अगर मैं बात करूं, यहां तक ये अपने पास पी ए तक बात करें तो ये कितना बन गया था अपने पास, इसके कार्डिनल नंबर बन गया था 2। अगर उसका भी पावर सेट कर देंगे तो अभी आंसर आ जाएगा 2^2 विच इज इक्वल टू 4। क्लियर। इसका और अगर कार्डिनल नंबर बना दे, यानी कि पावर सेट ऑफ ए का भी पावर सेट बनाया और उसका भी कार्डिनल नंबर निकाला, तो दिस विल बी इक्वल टू 2^4 विच इज इक्वल टू 16। क्लियर। और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अपने पास क्वेश्चन कैसा आ गया, लेट सपोज ए मेरे को दे दिया कि यार ए ना 5 मतलब एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है मतलब कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 0 हो गया। और अपने से पूछ लिया पावर सेट ऑफ ए और इसका बता दो कार्डिनल नंबर। ठीक, अब बता तो सकते ही है, कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। फटाफट से अंदर से स्टार्ट करो, बाहर तक निकलते हुए आओ। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2^0 मतलब आ गया 2। अच्छा अब इसकी मतलब आ गया 1। 2^0 मतलब आ गया 1। अच्छा अब इसके पावर सेट की बात करूं तो कितना बन जाएगा, 2^1 विच इज इक्वल टू 2। इसके पावर सेट की बात करें 2^2 विच इज इक्वल टू 4। इसके फाइनल पावर सेट की बात करें तो 2^4 विच इज इक्वल टू 16। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आया? तो क्या करोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार कोई एक सेट दे दिया और पावर सेट के ऐसे 2-4 पावर सेट देके उसका कार्डिनल नंबर पूछा गया, तो सिंपली अंदर से स्टार्ट करो और बाहर तक आ जाओ। जैसे आए अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा कि जो भी लास्ट वाला पावर सेट बन रहा था, जो भी लास्ट वाला, उसका कार्डिनल नंबर कितना है भाई, इतना है। क्लियर। तो दिखने में थोड़ा सा अजीब सा दिख सकता है लेकिन एक्चुअल में आंसर एकदम इजी है अगर अपने को बेसिक क्लियर समझ आ रहा है तो। क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले ही पावर सेट के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसा समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूं एक सेट है ए, एलिमेंट्स है ए वन एन बी, एलिमेंट्स अपने पास ए एन बी, एक सेट ए, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, किसका, सेट ए का। ठीक, बढ़िया। अब पावर सेट अगर इसका ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं, पावर सेट फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा पावर सेट का कार्डिनल नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन कैसा आ जाएगा अपने पास, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, 2^2 मत बोल देना भाई, अभी क्वेश्चन पूरा लिखने दो, क्वेश्चन बोला ही नहीं मैंने पूरा। तो फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये अब अपने पास क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो पहले क्या करोगे, पहले अब अपने को पता है नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर पावर सेट ऑफ ए चाहिए इसके लिए पहले अपने को कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो कार्डिनल नंबर निकालना चाहेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2^2, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर कितना होता है, जितना इसके सबसेट्स हैं। इसके सबसेट कितने होते हैं, 2^4 जितने इसके एलिमेंट्स हैं। इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो यहां पे पावर सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, 2^2 एंड विच इज इक्वल टू 4। अब इतना आ गया तो फिर जो क्वेश्चन था अपने पास वो कितना आ जाएगा, 2^4 विच इज अगेन इक्वल टू 16। यहां पे होता है क्वेश्चन खत्म। समझ आया? तो कंफ्यूज मत हो जाना, जरूरी नहीं आपसे नंबर ऑफ सबसेट इसका पूछे, ए का पूछे, हो सकता है नंबर ऑफ सबसेट्स आपसे पूछा जाए पावर सेट का या पावर सेट के पावर सेट का। तो जहां तक बाहर आ सकते हो, लेट सपोज मेरे पास इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस, अगर इसका सबसेट पूछा है तो पहले ये फाइंड करो, पहले यहां का कार्डिनल नंबर निकालो, कार्डिनल नंबर कितना आया था, 2^16। अभी सबसेट पूछा है तो हो जाएगा 2^16, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, 16 तो आ गया कार्डिनल नंबर और फाइंड क्या करना, नंबर ऑफ सबसेट्स इसके, तो 2^16 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ सबसेट्स किसका पूछा है, सेट का पूछा है या उसके पावर सेट का पूछा है, कार्डिनल नंबर किसका पूछा है, सेट का पूछा है या उसके पावर सेट का पूछा है या उसके भी पावर सेट का पूछा है। तो ये सब बेसिक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स है जिनको अपने को ध्यान रखना और मिस्टेक नहीं करनी है। समझ आया? बहुत बढ़िया। पावर सेट समझ आने के बाद मैं बात करता हूं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सली मान लो कि जितने सेट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जितने भी सेट है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन सबका सुपर सेट को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। समझ आया? जैसे एग्जांपल से समझना, ज्यादा इसे समझ आएगा। मैंने कहा एक सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन चलता जा रहा है।
मतलब मेरे को क्लियर क्लियर दिख रहा है कि यार ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, ये सारे देखे देखे इवन नंबर्स है, मतलब ए जो सेट है वो किसका सेट है, सारे इवन नंबर्स का सेट है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बात करता हूं बी सेट का। बी जो एक सेट है वो अपने पास है 1, 3, 5, 7, 9 और ये अगेन चलता जा रहा है, ठीक है, ये अगेन चलता जा रहा है। मतलब ये कितने एलिमेंट्स हो गए, ये अपने पास सारे जो एलिमेंट्स हो गए कौन कौन से, सारे ऑड नंबर्स है। मतलब बी जो एक सेट है वो सारे ऑड नंबर्स का सेट है, समझ आया। अच्छा, सी एक सेट लेता हूं, लेट सपोज सी मैंने एक सेट लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। अभी देख के समझ आ रहा है कि जो सी सेट है वो ना सारे प्राइम नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर लेता हूं, एक सेट बनाता हूं डी, जो किसको बिलोंग कर रहा है, जो अपने पास है नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 और चलता जा रहा है अपने पास लास्ट तक। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितने सेट्स कंसीडरेशन में, जितने सेट कंसीडरेशन मतलब मैं जिन सेट्स की बात कर रहा हूं, यहां पे एबीसीडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं ए डी का सबसेट है, बिल्कुल है, यानी कि ए जो है वो सबसेट है डी का, यानी कि ए डी जो है वो ए का सुपरसेट है। सेम वे बी भी सबसेट है डी का, सेम वे सी भी सबसेट है डी का। इसका मतलब डी क्या है, सबका सुपरसेट है। तो डी को मैं क्या बोलूंगा, यूनिवर्सल सेट। कौन सा बन रहा है, यूनिवर्सल सेट बन रहा है बेटा अपने पास यहां पे डी सेट, डी, क्लियर। तो जितने सेट है जिनकी बात कर रहे हैं वो सारे सेट जिसके सबसेट है, मतलब एक ऐसा सेट जो सारे सेट का सुपरसेट है, उस सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट की ना कोई लिमिटेशन नहीं है, आप समझना। मैंने एक नेचुरल नंबर्स का सेट बनाया, ये इनका सुपरसेट बन गया। लेट सपोज मेरे पास ना यहाँ पे डी नहीं है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं एक बार के लिए कि अगर मेरे पास डी नहीं है तो मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, लिखे ना अंदर, मतलब मैंने माना कि डी नहीं है। अगर डी नहीं है और यहीं पर एक दूसरा सेट मेरे पास ई है, जिसमें जो है वो किस चीज को कंटेन कर रहा है, लेट सपोज ई एक सेट है ऑल द एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर का सेट हो गया तो ई भी क्या बन गया, ए बी सी का सुपर सेट बना। तो जब तक ई नहीं था तब तक डी राजा था, क्यों, डी सुपर सेट था। अब मैं कह रहा हूं लेट सपोज डी भी है, चलो डी भी है सब था और ई भी बना दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं जब तक सी ई नहीं था तब तक डी राजा था, क्योंकि डी यूनिवर्सल सेट था, ठीक है। अब मैंने जब जैसे ई को इंट्रोड्यूस किया अब डी फीका पड़ गया, क्यों, क्योंकि डी तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स रख रहा है, लेकिन ये मैंने सेट बना दिया जो रियल नंबर्स का है। तो इस केस में सुपर सेट कौन सा बन गया अपने पास, सुपर सेट कौन सा बन गया, यानी यूनिवर्सल सेट कौन सा बन गया, ई यूनिवर्सल सेट बना। तो यूनिवर्सल सेट ना कोई फिक्स नहीं है, बस इतना पता है जितने जो सेट्स हैं उन सबका यूनिवर्सल सेट जो बनेगा वो सुपर सेट बनेगा, क्लियर। तो पावर सेट क्लियर हो गया, यूनिवर्सल सेट क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं अपन वेन डायग्राम के, ठीक है। यूनिवर्सल के सेट के जस्ट बाद अपने को वेन डायग्राम चाहिए ही चाहिए। वेन डायग्राम क्या है बच्चा, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का डायग्रामेटिक एक तरीका है। मतलब जितने भी सेट्स थे उन सबको, कोई भी सेट है मेरे पास ए बी सी डी पावर सेट सुपर सेट जितने भी सेट्स हैं, अगर सबको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है और उनके रिलेशंस को भी, इवन जो सेट्स हैं उनके बीच के रिलेशंस को भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो अपन वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम की हेल्प कैसे लेंगे, इसमें जब भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है, जब भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा अपन सेट के लिए यूज करते हैं सर्कल, ठीक है, हमेशा। और यूनिवर्सल सेट के लिए अपन यूज करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। और सारे सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल तो सुपर सेट है। तो अगर सेट को रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करेंगे, लेट सपोज अपने पास एक बनाया अपने यूनिवर्सल सेट, ये बन गया यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कोई सेट ए है मैंने ऐसे बना दिया, एक सेट बी है, ये एक सेट सी है, ये एक सेट मैंने डी बनाया, ये अंदर ही मैंने एक सेट ई बना दिया। तो जितने भी सेट्स थे वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं और वेन डायग्राम के थ्रू मैं उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन बताता हूँ कि हाँ रिलेशन कैसा समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि बी और सी में ना कुछ एलिमेंट है जो कॉमन है, कुछ ऐसे एलिमेंट है जो बी में भी और कुछ सी में भी है, लेकिन ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं क्योंकि दोनों दूर दूर है, ठीक है। अच्छा, यहां से मेरे को समझ आ रहा है ई जो सेट है वो पूरा ही ए के अंदर है, जितने एलिमेंट ई के अंदर वो सारे सारे ए के अंदर है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ई जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर सबसेट को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू, तो बेटा कैसे किया, सिंपल। मैंने कहा एक तो ये तो यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले तो ये बनाना है, बिकॉज ये तो बॉस है, ठीक है, ये तो बॉस है, ओके। अब मैंने बोला यार अंदर ना एक सेट है ए
और इसके अंदर एक सेटअप भी। तो ये मेरे को क्लियरली देख के क्या समझ आ रहा है कि बी जो है वो सबसेट है। किसका सबसेट है? वो ए का सबसेट है। तो सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका वेन डायग्राम के थ्रू सिंपली, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं बोल रहा हूं यार एक और सेट है। कौन सा सेट है? इस सेट को अपने बोला, इस सेट को कोई नेम दे दिया, मैंने बोला यार ये सेट जो है वो सी है, ये क्लियर है ना, ऐसे मान लेना, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बनेगा? तो मैं बोल सकता हूं कि यार बी जो है वो सबसेट है सी का बी, और ए भी जो है वो सबसेट है सी का बी। समझ आया? तो ये बेसिक अपने को वेन डायग्राम के थ्रू समझ आता है। और यहां से मेरे को एक चीज और समझ आई कि अगर बी ए का सबसेट है और ए सी का सबसेट है तो बी को सी का सबसेट बनना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से एक चीज और क्या समझ आई कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए विल बी द सबसेट ऑफ सी। रीजन कैसे पता चला? भाई यहां से पता चला, ये यूज है वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम क्या करता है? सेट को रिप्रेजेंट करने में और उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी कर देता है, ठीक है। बढ़िया, अब जब ये सब समझ आ गया, अब नेक्स्ट अपने पास आता है बच्चा ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट के बीच में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, उनको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, इंपॉर्टेंट वो सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हम वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी तक की क्लास के लिए इतना ही अपन करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, मजे करें, और ध्यान रखा पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए किसी भी केस में। तो पढ़ाई इज मैंडेटरी, तो कीप गोइंग, आग लगा दो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।